बहुत बड़ी बड़ी पद यात्राएं कर रहा है। शेर सिंह राणा, फूलन देवी का हत्यारा कायर शेर सिंह राणा, SC ST एक्ट का विरोधी, सब्बीरपुर सहारनपुर कांड का मास्टरमाइंड शेर सिंह राणा पदयात्रा कर रहा है SC ST एक्ट के खिलाफ, SC ST समाज के खिलाफ। आज नवाब सतपाल तंवर के सवालों का जवाब दे शेर सिंह राणा। लेकिन देश का भाईचारा, देश की शांति को इन्होंने खराब करके रख रखा है। ये लोहे को पहले गर्म करते हैं, फिर उसके ऊपर चोट मारते हैं। लोहा तो हथियार बनेगा ना, गलती किसकी है? सदियों से हमारे ऊपर शोषण किया जा रहा है, सदियों से हमें दबाया जा रहा है। मुख्य धारा में हम लोग आज तक भी नहीं आ पाए हैं। आज भी किसी को जाति के नाम पर, किसी को धर्म के नाम पर खुला प्रताड़ित किया जा रहा है। आज भारत देश पीछे है तो सिर्फ इसी वजह से, जातिवाद और धार्मिक आतंकवाद। आज भारत देश इसी वजह से पीछे है। फूलन देवी का हत्यारा कायर शेर सिंह राणा मेरे इन सवालों का जवाब दे। सबसे पहला सवाल शेर सिंह राणा से मेरा यह है, देखिए वो SC ST एक्ट का विरोधी है तो वो संविधान का विरोधी है, और जो संविधान का विरोधी है वो हमारा दुश्मन है। बहन फूलन देवी की धोखे से हत्या करने वाला शेर सिंह राणा, जो हमारे समाज को और हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहा है, शेर सिंह राणा जो है वो हमारे समाज को, हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहा है। सबसे पहला सवाल शेर सिंह राणा से ये है कि अपने घर की औरतों से शेर सिंह राणा ये पूछे कि जब भारत का संविधान नहीं था, जब मनुस्मृति लागू थी, उस समय क्या औरत को आजादी थी? क्या औरत को बाहर निकलने की, नौकरी करने की, अपने आप को, अपना टैलेंट प्रदर्शित करने की क्या आजादी थी? शेर सिंह राणा ये पूछे SC ST एक्ट का, संविधान का विरोध बाद में करे, सबसे पहले ये सवाल अपने घर में अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपनी बीवी से, अपने घर की औरतों से सबसे पहले ये सवाल पूछे। ये बड़ा सवाल है, क्या आजादी थी? नहीं थी ना। फिर ऐसे में शेर सिंह राणा कैसे SC ST एक्ट का विरोध करने के लिए, संविधान का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर पड़ा है? शेर सिंह राणा एक बात का जवाब दे, एक सवाल का जवाब दे। जिस समय 1989 में इस एक्ट को पास किया गया था और 1990 में इस एक्ट को लागू कर दिया गया था, 1990 से लेकर के 2018 तक शेर सिंह राणा और तमाम SC ST एक्ट के विरोधी जितने भी हैं वे तब कहां थे और शेर सिंह राणा तब कहां था? आज 2018 में सुप्रीम कोर्ट के चंद मनुवादी जज मिल करके SC ST एक्ट में बदलाव कर देते हैं, इनको जुबान आ जाती है। इन सवालों का जवाब दो, तब कहां थे शेर सिंह राणा और कहां थे SC ST एक्ट के तमाम विरोधी? नहीं पता, नहीं है कोई जवाब। अब 2018 में इनको बात आ गई है। एक कुरकुरा देवली टंडन मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा के विदेश भाग रहा है, SC ST एक्ट का विरोध कर रहा है, कह रहा है 2 महीने में SC ST एक्ट अगर खत्म नहीं हुआ तो मैं वो कर दूंगा, इतिहास पलट दूंगा। भारत बंद करने का ड्रामा किया, आपने घर की खिड़की तक बंद नहीं कर पाया, अपने टॉयलेट का दरवाजा तक बंद नहीं कर पाया वो व्यक्ति जो 2 महीने में SC ST एक्ट खत्म करने की बात कह रहा है। मैंने बकायदा कहा था, दोबारा रिपीट करता हूं, अगर देवली टंडन कुरकुरा अगर 2 महीने में SC ST एक्ट खत्म नहीं करा पाया, आरक्षण को खत्म नहीं करा पाया, तो गंजा होकर के, लहंगा चुन्नी पहन करके नवाब सतपाल तंवर के सामने मुजरा करेगा और उसके जो समर्थक है ना वे डपली बजाएंगे, मुजरा करेगा हमारे सामने। ये चैलेंज हमने बकायदा दिया था। और शेर सिंह राणा, भुरभुरा, फूलन देवी का हत्यारा, SC ST एक्ट का विरोधी, सब्बीरपुर कांड का मास्टरमाइंड पद यात्रा कर रहा है। शर्म आनी चाहिए शेर सिंह राणा, मेरे सवालों का जवाब दे और मेरे इस सवाल का जवाब दे कि इतने सालों तक तुम लोग
सदियों से तुम लोग राज करते आए, आजादी के बाद में भी तुमने 70 साल तक तुम लोग राज कर चुके, और आज जब अंबेडकरवाद, 21वीं सदी का अंबेडकरवाद जब अपने अधिकार मांग रहा है, जब अपने हक मांग रहा है, जब मुख्य धारा में आने के लिए कोशिश कर रहा है, ऐसे में तुम्हें दर्द हो गया। शेर सिंह राणा इस बात का जवाब दे कि इतने सालों से तुम राज कर रहे हो, क्या हमारी बारी नहीं आनी चाहिए? हमारा खुला विरोध करते हो, अत्याचार हमारे ऊपर करते हो, एक हमें SC ST एक्ट, एक बचाव का माध्यम क्या मिल गया, तुम लोगों को जुबान आ गई। तुम लोग घरों से बाहर कभी निकलते नहीं थे, आज तुम SC ST एक्ट के विरोध में घरों से बाहर निकल करके तुम अपनी ताकत, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, खोखले हो चुके हो, तुम कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम SC ST एक्ट को खत्म करा सको। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, ना मैं किसी जाति का विरोधी हूं, लेकिन आज मुझे इन लोगों ने ऐसा बना दिया है कि अगर मैं SC ST एक्ट के समर्थन में, SC ST एक्ट को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए अगर मैं ना बोलू ना, तो ये सर पे चढ़ जाएं। सोशल मीडिया पर इन्होंने इतनी गंदगी फैला रखी है, हद से ज्यादा, ये इनकी संस्कृति दिखाई देती है, ये इनकी संस्कृति दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर इन्होंने इतनी गंदगी फैला रखी है। शेर सिंह राणा मेरे सवालों का जवाब दे, कहां थे तुम? आज तुम विरोध करने के लिए चल पड़े। शेर सिंह राणा एक बात का और जवाब दे, इस सवाल का जवाब दे कि तुम्हारी कौम के कितने लोग गटर की सफाई कर रहे हैं, सीवर की सफाई कर रहे हैं, तुम्हारी कौम के कितने लोग, या तेरे समर्थकों की मैं बात कहूंगा, मैं कितने लोग झाड़ू सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कितने लोग पशुओं की खाल उतार रहे हैं? जवाब दे शेर सिंह राणा मुझे इस बात का। और फिर कभी गाय के नाम पर, कभी जाति का लेबल लगा करके, कभी बारात की घुड़चड़ी निकालने को लेकर के, कभी मूछे रखने पे, कभी पगड़ी बांधने पे तुम लोग अत्याचार करते हो, फिर आवाज ना उठाएं। शोषण करते हो, फिर आवाज ना उठाएं। SC ST एक्ट अगर खत्म होता है ना, तो तुम जैसे लोगों को हथियार मिल जाता है। लेकिन हम भी अपनी जबान के पक्के हैं शेर सिंह राणा, SC ST एक्ट को खत्म होने नहीं देंगे। गर्दन कट जाए, जान चली जाए, परवाह नहीं है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आज मैंने जन्म लिया है ना, तो इसी वजह से जन्म लिया है मैंने कि तुम जैसे लोगों को सबक सिखाऊंगा। अगर आ सकते हो भाईचारे से, तो भाईचारे से आ जाओ, सबको बराबर की नजरों से देखो, नहीं तो यूं ही विरोध होगा, और खुला विरोध होगा, जिसमें जो दम हो ना वो उखाड़ ले। नवाब सतपाल तंवर यूं ही बोलता रहेगा और यूं ही धाड़ता रहेगा शेर सिंह राणा, और जितने भी SC ST एक्ट के विरोधी हैं, SC ST के विरोधी हैं, जितने भी संविधान के विरोधी, आरक्षण के विरोधी हैं, अपने घर में चुपचाप खामोश बैठ जाएं, क्योंकि ये भीम की सेना तुम्हें छोड़ेगी नहीं, कहीं तक भी नहीं छोड़ेगी, और हम अपने अधिकारों को यूं छीनने नहीं देंगे। तुम लोग हमारे अधिकारों को छीन रहे हो, अधिकार मांगे से नहीं मिलते, अधिकारों को छीना जाता है। जो तुम छीन रहे हो ना, वो अधिकार हम तुमसे छीन रहे हैं, और छीनेंगे, तुम्हें एक एक को धरती में दफन कर देंगे। वरना इस जातिवाद को खत्म करो, लाइन पर आ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, लाइन पर आ जाओ, संविधान को अपनाओ, संविधान का पालन करो, सबको बराबर समझो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हें विदेश भागना पड़ेगा। और शेर सिंह राणा मेरे इन सवालों का जवाब देगा, और मेरे इस सवाल का भी जवाब दे कि अब तक आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण में हमें कितने परसेंट मिल रहा है और तुम्हें कितने परसेंट मिल रहा है, वो भी बात बताओ। किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर के देख लो, तुम्हारे लोग भरे पड़े हुए हैं, तुम्हारे लोग बैठे हुए हैं,
किसकी बात करते हो तुम? किस अत्याचार की बात करते हो? किस आरक्षण की बात करते हो? किस एससी एसटी एक्ट की बात करते हो तुम? और एक बात का और जवाब दे, सवाल का जवाब दे शेर सिंह राणा, जब एससी एसटी पर अत्याचार होते हैं, आज एससी एसटी एक्ट का विरोध करने के लिए निकल पड़ा, जब एससी एसटी पर, जब बहुजन समाज पर अत्याचार होते हैं, तो उन अत्याचारों के खिलाफ कभी आवाज उठाई शेर सिंह राणा? आवाज क्यों उठाएगा? क्योंकि अत्याचारी ही तुम लोग हो, तुम लोग ही अत्याचार करते हो। बहन फूलन देवी की धोखे से तूने हत्या करी, सब्बीरपुर में तूने कत्लेआम मचवाया, सिमलाना गांव में था उस समय तू, तेरी सभा चल रही थी और तूने क्या कहा वहां पर सभा के अंदर? पता है शेर सिंह राणा, तेरा बयान मेरे पास है, बहुत कोशिश की तेरे ऊपर केस दर्ज कराऊं, लेकिन तेरी यूपी की योगी की नमक हराम पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया तेरे खिलाफ, सजा याफ्ता है तू। बहन पोलन देवी की हत्या में तुझे सजा भी हो चुकी है, जमानत पर घूम रहा है। मेरे इस सवाल का और जवाब दे शेर सिंह राणा, जिस तू संविधान का विरोध कर रहा है उसी संविधान से ही जमानत लेकर के बैठा है तू, बेल पर आया हुआ है तू, कभी पैरोल पर आ जाता है, कभी किसी पर आ जाता है, कभी किसी पर आ जाता है, तू सजा याफ्ता है और उसी संविधान का सहारा लेकर के? अरे शेर सिंह राणा शर्म कर, थूक करके चाटता है तो थूक करके चाटता है, और थूक करके चाटने वाले को पता है क्या बोलते हैं? अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूंगा, तू खुद सोच लेना शेर सिंह राणा, जो एससी एसटी एक्ट का विरोध कर रहा है, इस बात को समझ, इस सवाल का जवाब दे कि भारत के संविधान से जमानत लेकर के क्यों फिर रहा है, फिर एससी एसटी एक्ट का और संविधान का विरोध कर रहा है तू? शेर सिंह राणा अपनी औकात में रह, जितना है उतना रह, इतना मत उछल, अच्छा नहीं है तेरी सेहत के लिए, जितना टाइम बचा है ना अपना काट ले शेर सिंह राणा, जितना टाइम बचा है अपना काट ले, इसी में तेरी भलाई है, ये ज्यादा पद यात्रा पद यात्रा के चक्कर में मत फंस, एससी एसटी एक्ट का विरोध मत कर, कुछ नहीं उखड़ने वाला तेरे से और कुछ नहीं होने वाला शेर सिंह राणा तेरे से। जिस समय सब्बीरपुर का कांड हुआ था ना, जब वहां पर जब हमारे समाज के लोगों के घरों को जलाया गया, हाथ काटे गए, पैर काटे गए, महिलाओं के साथ बदतमीजियां की गई, घरों में घुस करके आगजनी की गई, वो शेर सिंह राणा के रोल लोग थे, ये पूरे प्लान के साथ किया गया था। उस समय में सिमलाना गांव में शेर सिंह राणा जो है वो जनसभा कर रहा था और इसके लोग वहां से निकल रहे थे, जैसे ही ये शिव कुमार प्रधान जी के घर के बाहर पहुंचे, उन्होंने इन लोगों ने शेर सिंह राणा के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। शिव कुमार प्रधान जी को बर्दाश्त हुआ नहीं, उन्होंने विरोध किया, पता था कि हाँ हमारे समाज के लोग बोलेंगे और वे हमला कर देंगे, भाई प्री प्लान था पूरा, इनके पास में पेट्रोल पंप थे, इनके पास में केमिकल से भरे हुए गुब्बारे थे, अचानक से तो आ नहीं सकते, पहले से लेकर के आए थे और ये प्लानिंग शेर सिंह राणा ने की थी। इन्होंने वहां पर आगजनी कर दी, आग लगा दी, घरों को जला दिया, लोगों को मारा, तलवारें थी इनके हाथ में, और उधर से शेर सिंह राणा को मैसेज इन्होंने भेज दिया कि भाई काम हो रहा है और काम चल रहा है। वहां मंच से शेर सिंह राणा ये कहता है, बकायदा ये बयान भी आया था और ये सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था, शेर सिंह राणा ये कहता है कि वहां पर हमारे समाज के एक आदमी को उन्होंने मार दिया, यानी कि हम लोगों ने मार दिया, हमारी कौम के लोगों ने मार दिया। लोग बड़ा गुस्सा हुए, भाई एक लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, भाई राजपूत को कैसे मार दिया? देखिए मैं किसी राजपूत का विरोधी नहीं हूं भाई, ऐवें ही मत लीजिएगा, लेकिन बात बता रहा हूं जो हुई थी, भाई उसको मार दिया। फिर क्या है कि जो मंच संचालक लोग थे उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील करी, शांति रखिए कोई बात नहीं। शेर सिंह राणा दोबारा खड़ा होता है और कहता है भाई मेरा भाई मार दिया वहां पर, मैं तो वहां पर जा रहा हूं सब्बीरपुर गांव में, किसी को चलना है तो चलो, नहीं चलना तो नहीं चलो, मेरा खून खोल रहा है, मैं तो एक मिनट भी नहीं रुक सकता। शेर सिंह राणा अपने साथियों के साथ वहां से निकल गया, लेकिन वो सब्बीरपुर गांव में नहीं पहुंचा। हाँ और लोग थे जो गुस्से में वहां लोग पहुंच गए और कत्लेआम मचाया। शेर सिंह राणा वो सब्बीरपुर कांड का मास्टरमाइंड है और इस योगी रोगी की भोगी की सरकार ने बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं करी। शेर सिंह राणा कायर के खिलाफ, खुला बोल रहा हूं, कायर शेर सिंह राणा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करी। सवालों का जवाब है शेर सिंह राणा, अत्याचार तुम करते हो, एससी एसटी एक्ट का विरोध तुम कर रहे हो, डर गए हो तुम लोग, डरपोक हो तुम लोग, जो आज तुम एससी एसटी एक्ट का विरोध कर रहे हो तुम लोग डर चुके हो। क्यों है तुम्हारे अंदर ये डर? डर लगता है एससी एसटी एक्ट से? अरे एससी एसटी एक्ट तो वो है
कि तुम्हें जो है ना मुद्दा मार के तुम्हारे पिछवाड़े पे इतने छित्तर मारे कि तुम लोग जो है ना जेल में सड़ो। एससी एसटी एक्ट वो है, एससी एसटी एक्ट जो है हमारे महापुरुषों की देन है, एससी एसटी एक्ट हमारे महापुरुषों की मेहनत का परिणाम है, उनके संघर्ष का परिणाम है, जो भारत की संसद ने एससी एसटी एक्ट पास किया, जो काफी वर्षों पहले हमारे महापुरुषों ने मेहनत की, संघर्ष किया, उसका परिणाम है। और हमें यूं आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ना तो ये एजुकेशन में हमारे से आगे, ना ये पॉपुलरिटी में हमारे से आगे, ना ये सवाल जवाब तर्क ज्ञान में हमारे से आगे, ये हमारे पास भी खड़े नहीं हो सकते, इनकी औकात नहीं है हमारे पास भी खड़े होने की, और फिर इसके बावजूद भी ये हमारे से बराबरी करने की कोशिश करते हैं, ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। एजुकेशन में हम इनसे कम नहीं, नॉलेज में हम इनसे कम नहीं, उसके बावजूद भी ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर, जाति का लेबल लगा रखा है। और आज भारत देश इसी वजह से पीछे है, इसी वजह से पीछे है आज भारत देश है।